है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया सिन्हा। सो गाइस, आज हम एक वापस से बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव फ्रंट हैंड मेहंदी डिज़ाइन अपलोड करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हम ये क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरी ब्यूटीफुल नेटिंग ग्रिड। तो आप न्यू एलिमेंट्स के न्यू चेक्सेस के लिए आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइन है। और यहाँ पर आज हम रोज़ फ्लावर और सनफ्लावर से हट कर थोड़ा सा जो है वो फ्लावर को क्रिएट करने वाले हैं। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि हम बेसिकली यहाँ पे कटवर्क का बेल्ट बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रासेस एंड लीव्स और हमारे जो एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे से सपोर्टिव्स, वही एलिमेंट्स को यूज़ करके हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे ब्यूटीफुल से बहुत ही अट्रैक्टिव हमारे बेल्ट्स की डिज़ाइन। तो आप देख सकते हो कि थंब से लेके हमने फर्स्ट फिंगर की तरफ हमारे डिज़ाइन को हम यहाँ पर बना चुके हैं। सेम ही एलिमेंट्स को कंटिन्यू करेंगे लेकिन डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगने वाली है। सो यहाँ पर मैंने जो है वो बेल्ट को क्रिएट कर दिया है। अब हमारे जो फ्लावर है उसमें हम शेडिंग को क्रिएट करेंगे। तो शेडिंग हमेशा विजिबिलिटी के साथ क्रिएट करनी है, जिसे मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ। और यहाँ पे स्पेशली पाम के डिज़ाइन में तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, बिकॉज लाइट शेडिंग करोगे तो वो तुरंत ही निकल जाएगी जब एक ही बार हैंड वॉश होगा हमारा। तो यहाँ पर हमें शेडिंग का खास ध्यान रखना होता है। फेस्टिव सीज़न में इस तरीके की डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा जल्दी से लगकर रेडी हो जाती है, बनाने में भी आसान होती है और फटाफट से लग भी जाती है। आप 1% के बदले 2% को मेहंदी लगा सकते हो। तो इस तरीके से स्मार्टली आपको डिज़ाइंस क्रिएट करनी चाहिए, स्पेशली वेडिंग सीज़न में। तो यहाँ पे मेरा बेल्ट हो चुका है कम्प्लीट और यहाँ पे मिडल फिंगर पे मैं हमारे डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए फिलर एलिमेंट फिल करूँगी। सो डॉट लेयर वाले फिलर एलिमेंट मैं पूरी फिंगर पे यहाँ पे क्रिएट कर दूँगी। अब बेल्ट को वापस से एक्सटेंड करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे बंच की तरफ जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हम्स को क्रिएट किए हैं, 3 हम्स को हम क्रिएट करेंगे विजिबिलिटी के साथ। डिज़ाइन को आगे की तरफ ले जाएंगे हम और हमारे छोटे छोटे से एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए थोड़ी सी हमारी लेंथ को हम एक्सटेंड करेंगे। सो यहाँ पे एक हम फ्लावर अगेन ऐड करेंगे। फ्लावर की जो प्लेसिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए, एक ही एंगल में सारे फ्लावर आप लोग क्रिएट करोगे तो डिज़ाइन उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे थोड़े से एलिमेंट्स को और ऐड किया है, हम हम्स भी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहे तो डिफरेंट काइंड ऑफ हम्स भी क्रिएट कर सकते हो, सर्कल वाले कर सकते हो। और बहुत ही ब्यूटीफुल वे में मैं यहाँ पे बोल्ड वाले लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ। शेडिंग क्रिएट किए थोड़े से न्यू एलिमेंट्स के साथ, तो देखोगे आप कि ये भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। अब हम जो है हमारी लास्ट फिंगर की तरफ एक और बेल्ट को क्रिएट करेंगे और जो सेंटर पार्ट हमारा बचेगा ना वहाँ पे हम चेक्सेस को क्रिएट करेंगे। ये बहुत ही यूनिक और ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाला है।
वापस से यहाँ पे थोड़े से हम्स को क्रिएट करते हुए लास्ट फिंगर की तरफ डिज़ाइन को लेकर जा रहे हैं हम। और सर्कल्स वाले हमारे कर्व्स ही मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे बोल्ड एलिमेंट्स चाहिए। थोड़े से हम्स क्रिएट कर दिए हैं। अब थोड़ा और नीचे की तरफ जाएंगे हमारे डिज़ाइन को एक्सटेंड करने के लिए, ताकि ब्यूटीफुल भी लगे और हमारे डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट भी नज़र आए। अगेन यहाँ पे शेडिंग को कंप्लीट करेंगे हम और फ्लावर को भी कंप्लीट करेंगे, साथ में लीव्स को भी कंप्लीट कर देंगे। छोटे छोटे डॉट्स को क्रिएट कर चुकी हूँ मैं। तो अब हम चेक्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले थीन लाइन को क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप लोगों से फिनिशिंग नहीं आती तो मैंने आपको ये चेक्स को बोल्ड कैसे करना है वो भी सिखाया, तो आप डबल लाइन लेकर भी बोल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो गाइडलाइन क्रिएट कर दी है। अब सारी चेक्स को मैं सबसे पहले तो बोल्ड करूँगी, डबल डबल लाइन्स को लेते हुए बोल्ड करना है आप लोगों को। सारे चेक्स बोल्ड हो जाने के बाद थोड़े से ड्राई आउट होने देंगे, और ड्राई आउट हो जाएंगे उसके बाद इनसाइड हम फिलिंग करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर बनाने हैं आपको सारे चेक्स में। चेक्स बन जाने के बाद वापस से थोड़ी सी डिज़ाइन को हम ड्राई आउट होने देंगे थोड़ा सा, उसके बाद भी हमने इसमें फिल करना है। तो यहाँ पर ड्रॉप टीयर ड्रॉप्स हम कंप्लीट करेंगे। यू कैन सी एवरीवन, हम इस तरीके से टीयर ड्रॉप्स की तरीके से सारे चेक्स को फिल कर देंगे। और चेक्सिस फिल हो जाने के बाद डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आ रही है, आप देख सकते हो। अगर आपका वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।